For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. Hello everyone. Hi, welcome. Thank you so much for coming. ये हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है, अद्वैत के लिए आई एम श्योर. बट थोड़ा मैं उदास भी हूँ आज, क्योंकि हमारे साथ जो रहे हैं इतने सालों से राजू जी, वो हमारे साथ नहीं हैं आज, जो स्टिल फोटोग्राफर रहे हैं, और पिछले कई महीनों से वो मेरे साथ थे. और जब हम ट्रैवल कर रहे थे अब्रॉड, हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ, देहांत हो गया उनका. तो हम में से एक ही हैं वो. तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँ, आज वो होते तो यहाँ हमारे साथ होते, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे 2 मिनट का हम लोग खड़े होकर साइलेंस उनको याद करते हैं. तो दोस्तों, ये हमारे प्रोडक्शन की 8वीं फिल्म है, द 8th फिल्म दैट वी हैव मेड, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू. हम आपके साथ बांटना चाहते हैं हमारा ट्रेलर. आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे. कम, लेट्स सिट. शुड वी प्ले? हाँ, ये हटा दो यार, ये कुर्सी भी हटा दें, ये चलेगा. अच्छा, कम किरण. तो आई लाइक टू इन्वाइट फर्स्ट ऑफ ऑल द डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ द फिल्म अद्वैत. प्लीज जॉइन अस अद्वैत. सुजॉय वॉज फ्रॉम जी स्टूडियोज. प्लीज जॉइन अस सुजॉय. एंड द सीक्रेट सुपरस्टार ज़ायरा. प्लीज कम. तो कैसे लगा भाई? सिट गाइस, सिट. ठीक ना? हाँ, okay, fingers crossed. I always get very nervous here. So guys, any questions? आप लोगों को कुछ पूछना हो तो. Check. Hi. थोड़ा house lights on. ये full lights है. Check. Hi. Amir sir, this is Alok. आपके right में पहले room. Right में. Yes. हाँ हाँ. Sir. सर, सवाल है किस तरीके से सीक्रेट सुपरस्टार का आगाज हुआ और आपने हामी भरी इसे करने के लिए? दरअसल अद्वैत कई साल से मेरे साथ काम कर रहे थे. किरण के असिस्टेंट भी थे रहे हैं वो. तारे ज़मीं पर भी उसमें भी काम किया था, प्रोडक्शन असिस्टेंट. और फिर मेरे साथ मेरे मैनेजर के तौर पे उन्होंने कई साल काम किया. पर एक दिन अद्वैत मेरे पास आए, कहा कि मेरे पास एक कहानी है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी वक्त से. तो मैंने कहानी सुनी और किरण और मुझे दोनों को बहुत पसंद आई कहानी, और हमने कहा कि ठीक है, आप बनाइए, हम प्रोड्यूस करते हैं. एंड दंगल की ताबड़तोड़ कमाई एंड बहुत सारे खिताब उसने जीते हैं. उसके बाद ज़ायरा की किस तरीके से इस फिल्म में एंट्री हुई, ज़रा वो भी बताएं हमें. ज़ायरा की एंट्री एक्चुअली एक अलग तरीके से हुई, क्योंकि हम जब स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे तो हमको ज़ायरा मिली दंगल के लिए. और चूंकि मैंने देखा ज़ायरा का काम, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अद्वैत से भी कहा कि यार, आपकी जो फिल्म में 14-15 साल की लड़की का जो रोल है, हमको दंगल के लिए एक बहुत अच्छी लड़की मिली है, एज वाइज भी सही है, तो आप उसको टेस्ट करें एंड यू कैन टेक हर ऑल्सो, शी कैन डू दंगल, उसके बाद वो सीक्रेट सुपरस्टार कर सकती है. तो अद्वैत ने देखा और अद्वैत को बहुत पसंद आया. ही टेस्टेड हर, ही लव्ड हर. और अद्वैत ने मुझसे कहा कि इसको हम लोग सीक्रेट सुपरस्टार में लेते हैं, दंगल में आप इसको मत लीजिए. मैंने बहुत ट्राई किया सर, माने नहीं, बट आई फॉट फॉर हर क्वाइट अ बिट एंड आई केप्ट ट्राइंग कि सर मत लो इसको, क्यों दे रहे हो ये रोल, मैं तो बड़ा रोल दे रहा हूँ. तो खैर मैंने कहा कि भाई आप
नीतीश जी से आप दंगल कर लो, नीतीश जी से दंगल में जीतोगे तो भाई आपकी बात मान लेंगे. बट खैर ऑफकोर्स ज़ायरा वॉज देयर इन दंगल एंड शी डन अ वंडरफुल जॉब इन दंगल एंड वी वेरी हैप्पी दैट शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सीक्रेट सुपर. उस चक्कर में इनकी फिल्म डिले हो गई क्योंकि ही हैड टू वेट फॉर हर. तो करीब 8 महीने, आई थिंक अबाउट 8-9 months वी वेटेड. ज़ायरा हानिकारक बापू, अब उसके बाद ये शक्ति साहब सुपरस्टार खुद हैं, कैसा रहा अनुभव ज़रा वो शेयर करें आप. बहुत ही अच्छा, बहुत मुझे बहुत 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 मज़ा आया इस फिल्म को शूट करने में. और सबसे ज़्यादा मेरे लिए दंगल में ही वॉज अ फादर फिगर फॉर मी. एंड व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीक्रेट सुपरस्टार, जब इनका ट्रायल चल रहे थे तो मैं इनको काफ़ी टाइम तक मिली नहीं थी. दंगल के बाद जब मैंने इनको देखा एज शक्ति कुमार, आई वॉज एक्चुअली शॉक. और मुझे शूट करते वक्त भी बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत हंसी आती थी इनके शॉट्स पे रिएक्शन देने में मुझे, लेकिन ओवरऑल बहुत बहुत मज़ा आया. सो आमिर सर, माई क्वेश्चन इज टू यू. योर प्रोडक्शन हाउस इज ऑलवेज गॉन फॉर अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, सो एंड ऑलवेज टेस्टेड सक्सेस ऑल्सो, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ इट. वेल वी जस्ट गो विद अ हार्ट एज अ प्रोडक्शन हाउस. जो कहानी हमको अच्छी लगती है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वी फील कि हाँ ये बनाना चाहिए. हम अक्सर कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमें क्या बनाना है. और एज एन एक्टर भी मैंने अपने आप को वैसे ही मैंने क्रिएटिवली अपना सफ़र किया है, वॉट एवर आई बिलीव इन. सो एज अ प्रोडक्शन हाउस वी, मतलब अभी कितने साल हो गए यार, 17 साल हो गए. 17 सालों में हमने 8 फिल्में बनाई हैं, मतलब 2 साल में एक फिल्म करीबन. तो वी वॉन्ट टू मेक फिल्म दैट वी बिलीव इन, जिन पे हम, यू नो, वेयर आवर हार्ट इज़. हाँ अच्छा, हाँ वो लाइन. स्टार्टिंग के दिनों में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा था, या आपको किसी को सपोर्ट मिला, या आप अकेले इस तरह से. वो बबल्स की कहानी सुना. नो एक्चुअली हम शूट कर रहे थे जब मैं आमिर सर का मैनेजर था, एंड पेरेंट्स केम विद दिस चाइल्ड कि वो हमारी बात सुनता नहीं है. एक शूट पे कुछ फैंस आए थे, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके, और वो आमिर सर के पास लेके आए, कहा कि यार ये हमारा बच्चा है, हमारी सुनता नहीं, आप कुछ बोल. आमिर सर ने कहा मैं क्या कहूँ, आपका बच्चा है, पढ़ता नहीं है, उसको बोलो तो ठीक से पढ़े. ये ही सेड कि एक्चुअली देखो ये जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, एंड लाइक योर सन इज, ये बच्चे एक के बाद एक ऊपर आते हैं. और तब वो कोक पी रहे थे, तो इसे वो ये डाइट कोक में जो बबल्स हैं वैसे होते हैं, एक के बाद एक ऊपर आ जाते हैं. और जब ये सीन हो रहा था मैंने कहा मैं ये लिख लेता हूँ, किसी दिन फिल्म में यूज करूंगा. एंड एक्चुअली दिस इज आमिर सर लाइन, दिस इज व्हाट ही टेल्स अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मीट हिम. सो एक्चुअली दिस इज नॉट शक्ति कुमार लाइन, इट्स आमिर सर लाइन, मैंने उनसे चोरी करी है जी. एंड आमिर जी, और एक सवाल कि जिस तरह से आपने ट्रेलर में जिस तरह से एंट्री मारी, मैंने देखा है कि रियल लाइफ में आप उस तरह के हैं नहीं. जिस तरह से आपने एंट्री मारी है, जिस तरह से आपके हेयर स्टाइल है, तो जब आपको कहा गया कि इस तरह से आप अवार्ड भी नहीं लेते हम, जब आपको कहा गया कि इस तरह से आपको करना है, तो क्या फीलिंग थी आपकी. एक्चुअली जब मैंने कहानी सुनी अद्वैत से तो मुझे बहुत पसंद आई. और फिर एक दिन अद्वैत ने कहा कि आप ये जो शक्ति कुमार का रोल है आप क्यों नहीं करते. तो मैंने कहा यार मैं अपने आप को उस रोल में देख नहीं पा रहा हूँ. तो किरण ने भी बोला, सबने बोला. तो मैंने बोला एक शर्त है, मैं एक स्क्रीन टेस्ट करता हूँ. स्क्रीन टेस्ट करता हूँ, अगर स्क्रीन टेस्ट में मैंने ठीक काम किया तो देन आई कैन डू द रोल. कैन यू बिलीव मैं अपनी पहली फिल्म के लिए आमिर खान को स्क्रीन टेस्ट कर रहा था. तो खैर हमने स्क्रीन टेस्ट किया है, और उसमें करते वक्त भी मुझे लगा कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है. और मेरे लिए बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर है, मुझसे मतलब बहुत ही परे, ये जो जिस किस्म का किरदार है वो मुझसे बहुत ही अलग है. तो मेरे लिए एक चैलेंज था एज एन एक्टर करने के लिए, टू प्ले अ कैरेक्टर एंड लोगों को ये बिलीव हो कि ये किरदार ऐसा ही है. तो आप देखिएगा फिल्म में कैसे लगता है आप. अच्छा, मेरा सवाल किरण जी से है, टू योर लेफ्ट. हाय, हेलो, नेहा फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. यहाँ हाय, आमिर का ये किरदार हमने देखा, मतलब ट्रेलर में हमें काफ़ी पसंद आया. आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा उनको स्क्रीन टेस्ट में ऐसे. एक्चुअली मैं उनमें से थी जिन्होंने कहा कि ये रोल आप ना करें, ये आपसे नहीं होगा. ही इज़ अ काइंड ऑफ अ क्रीपी कैरेक्टर, यू नो, द काइंड ऑफ गाय यू रियली डोंट वॉन्ट टू हैंग आउट विथ अलोन इन अ रूम, यू नो, उस तरह का. तो मैंने कहा आप प्लीज़ मत करिए, बहुत अजीब लगता है. अभी यू नो यू हैव डन दंगल, योर दिस फादर एंड ऑल, नाउ यू आर गोइंग टू डू दिस पिक्यूलियर, यू नो. पर स्क्रीन टेस्ट जब हम सब ने देखा तो इतनी हंसी आई सबको कि बिल्कुल कन्विंस हो गए कि ही कैन बी दिस, यू नो, पिक स्ट्रेंज क्रीपी पर्सन ऑल्सो. सो ही डिड इट सो वेल कि हमको मानना पड़ा.
but he wasn't the original fit, you know. We were thinking of someone you look at and automatically feel like, acha. Okay, let's not take any names now. Yeah. hi, Amir. On your right, this is Sohail. On your right, third row. आप हमेशा राइट में थर्ड रो में बैठते हैं, मैंने नोटिस किया. यही लास्ट बचा था. आमिर, डेफिनेटली यू आर अ सुपरस्टार, लेकिन अगर सुपरस्टार आज के दौर की बात करें तो हुम डू यू कंसिडर एज अ सुपरस्टार एंड व्हाई? एक्चुअली यू नो, एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में तो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं. आई थिंक मेरे लिए तो सबसे पहले अमित जी इज अ सुपरस्टार. सलमान, शाहरुख, अक्षय, अजय, ऋतिक, सो मैनी सुपरस्टार्स. इज दीपिका इज देयर. शाहरुख का नाम तो बहुत पहले ले लिया भाई. कटरीना है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं जो खुद अपने आप में स्टार्स हैं. ये लुक की बात करते तो वाज इट इंस्पायर्ड किसी से एक्चुअली? ये लुक जो था हमें एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर नदीम की भी थोड़ी बहुत याद आ गई. नहीं, उनको उन पे मॉडल नहीं है, किसी एक व्यक्ति पे मॉडल नहीं है ये किरदार, कई लोगों पे मॉडल है. हाय, शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक. ऑन योर लेफ्ट हियर. हाय, मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है. आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो. मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है कि फिल्म में हमने देखा कि किस तरह से आपका जो टैलेंट है उसको आप बाहर लाने के लिए मशक्क़त करती हैं, सारी बंदिशों को तोड़ना चाहती हैं. आप, ये तो रियल लाइफ की बात हो गई, आप जिस जगह से आती हैं वहाँ पर लड़कियों पर काफ़ी बंदिशें हैं, तो क्या रियल लाइफ में ऐसी कोई बंदिश थी जिसे आप तोड़ना चाहती थी या फिर तोड़ चुकी हैं? ऑनेस्टली मेरे लिए सच कोई इतना बैरियर नहीं था. द ओनली बैरियर आई हैड वॉज कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी और मैं इससे कभी ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की. तो फॉर मी पर्सनली मेरे लिए वही हमेशा बैरियर रहा है. बट विद द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव ऑलवेज हैड फ्रॉम माई फैमिली, आई डिडंट कंसिडर द बैरियर्स एट ऑल. एंड ऑफकोर्स आमिर सर हैज गाइडेड मी एंड हेल्प्ड एंड बिलीव इन मी सो मच. सो आई हैव नेवर फेस्ड दैट. आमिर, आपसे भी एक सवाल कि हाल ही में आपने एक वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जिसमें आपने अपने फैंस से अपील किया कि जिस तरह से आसाम या गुजरात में जिस तरह से बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाए. हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्या आपकी तरफ से या आपकी ओर से किसी कोई मदद उनको मिल पाएगी या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ मदद करने की? एक्चुअली मैंने दोनों राज्यों में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसे भेजे हैं और इस वक्त हम यही कर सकते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें दोनों स्टेट्स में, उनको हम सपोर्ट करें फाइनेंशियली ताकि वो मदद ठीक से कर पाएं लोगों की. आमिर, आपके लेफ्ट साइड में रेखा खान नवभारत टाइम से जी. यहाँ पे लेफ्ट, सॉरी राइट में, राइट, हाँ, जी यहाँ पे जी 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 जी. आमिर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई. आपने बहुत ही प्यारा और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट चुना है. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में एक लड़की होना, ऊपर से एक मुस्लिम लड़की होना, मतलब आम तौर पर लड़कियों को अपनी किसी भी प्रतिभा, अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी ख्वाहिश, उसको जाहिर करने में या पूरा करने में एक बहुत ही मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, एक स्ट्रगल होता है. इन हम अगर इंटीरियर्स में देखें या छोटे घरों में देखें या हम एक कहते हैं ना कि मध्यम वर्गीय परिवारों में देखें ये बात, तो इस चीज़, ये फिल्म के ज़रिए आप ऐसा मानते हैं कि इस तरह का समाज में या पेरेंट्स को या लोगों में ऐसा कोई संदेश जाएगा कि जहाँ से थोड़ा सा लड़कियों को एक स्पेस मिले या अपनी बात या अपनी प्रतिभा को साबित करने की कोई आज़ादी मिले? इस, क्योंकि आपकी फिल्में आमतौर पर काफ़ी सामाजिक सरोकार या मुद्दों से जुड़ी होती हैं. दरअसल सवाल बहुत लंबा हो गया, सॉरी. दरअसल ये फिल्म जो है और दंगल भी, दंगल और ये दोनों फिल्में एक्चुअली ये एक ही टॉपिक के ऊपर हैं जो हम लड़कियों को एक अलग नज़र से देखते हैं, बच्चियों को हम एक अलग नज़र से देखते हैं और शायद हम वही ट्रीटमेंट जो हम अपने लड़कों को देते हैं वह हम अपनी लड़कियों को नहीं देते. तो दिस इज़ अगेन अ फिल्म ऑन बेस्ड ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड. Amir, over here, towards your right. Okay. Hi, Himesh here. First of all, the trailer looks amazing. Congratulations. My question to you is, you know, you have, like you said, you have produced 8 films as a producer. And if I'm not wrong, you are the only producer
who has not delivered a flop as a producer, and you have 100% success ratio. So what is the secret for that? How do you manage to strike the gold every time? I don't know. Actually, we just make films we believe in. So I'm really fortunate that the stuff that we've chosen, the films that we've made, the writers that we've worked with, the directors that we've worked with, you know, talented people who've come to us with films that they want to make. And somehow it's all worked out well. So I don't know whether there's any, you know, I can't think of any straight answer to that. Except the fact that we've believed in what we make and we work with people who are very talented. But do you expect, when you're making the film, do you expect them to do this business? Like, if I'm not, after, since 2008, all your films have went on to become highest grossing films of all time. You can never predict that. You know, you can never predict how much business. Amir here, Rajiv here. One second, let me complete my answer. There's some mic which is making a sound. Okay, so don't play with the mic. Just keep it still. Yeah, Amir, Rajiv here. Too quick. But before that, let me just complete. So I'm saying there's no way you can predict the business of any film. You have to make what you believe, and financially you try and make it in a budget so that it doesn't lose money. That is what we try to do. As an actor or even as a production house, we try to make it in a budget which doesn't lose money, hopefully. The extent of the business we can never be in control of, and nor can we really predict that, you know. Amir, two quick questions, Rajiv here. Yeah, yeah. One is that, you know, these mannerisms which you adopted for the composer, how many were your contributions, how many were Advait's ideas? And two, because it's a musical at the end of the day, what made you choose Amit Trivedi? Part of that question. Actually, I don't know how many were your ideas or how many were mine. Huh. We just jammed together. We went to Panchgani for about a week and we read the script with your interns and we came up with this character, I think. Haan, and mannerisms. We were jamming, kar rahe the, rehearsals, kar rahe the, toh wo kehna mushkil hai, kaun se mannerisms, kahan se aaye. Sure, sure. Amit Trivedi, I think, is a really talented composer. And I think this film, jab aap gaane sunenge, iske ek ke baad ek jab hum gaane release karenge, to aapko andaaza hoga ke ye film actually musical hai. It's basically a musical. And it's about a girl who is very talented as a singer, as a composer. To music hamare liye bahut ahem tha is film ke liye. And I think Amit has done a mind-blowing job. Amit and both Kausar, who's written the lyrics, dono ne bahut hi behtareen kaam kiya, and we're really, really happy with the kind of songs we've got, because they were exactly what we wanted for each situation. Yeah. Amit sir, aapke right here. Amit from Dainik Jagran. Amir sir, मतलब साउथ में जैसा हम देखते हैं कि रजनीकांत की कोई फिल्म आती है तो उनके पोस्टर पे लिखा होता है सुपर स्टार रजनीकांत, या चिरंजीवी होते हैं उनके लिए एक टैग लाइन अलग होती है. मतलब हिंदी फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है. दोनों तरफ के जो स्टार की आइडियोलाइजिंग है वो आप उनमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं फैंस के द्वारा? आई डोंट नो, आई थिंक शायद वहाँ पे ये एक ट्रेंड काफ़ी सालों से चला है, काफ़ी मतलब 35 सालों से ये ट्रेंड चला है. तो कहाँ से ये शुरू हुआ मुझे उसका आइडिया नहीं है. बाकी जो ऑडियंस होती है, जो अपने फेवरेट क्रिएटिव लोगों को पसंद करती है, उसके इमोशन में कोई अंतर नहीं होता. शायद दिखाने के तरीके में फ़र्क हो, लेकिन आई थिंक उस जज्बात में फ़र्क नहीं होता. जब मैं किसी को पसंद करता हूँ, जिसके काम को मैं पसंद करता हूँ, तो मेरे दिल में जो इज्जत और प्यार है उसके लिए, वो एक ही होती है. आमिर एंड किरण, दूसरा सवाल ये था. आमिर सर आपके राइट है. एक सवाल और था आमिर सर कि जी आप जैसे दिवाली पे आ रहे हैं, सलमान क्रिसमस पे आ रहे हैं, शाहरुख जो है वो इंडिपेंडेंस डे के आसपास आ रहे हैं अपनी फिल्मों को लेके, तो तारीखों की अदला बदली को लेके या फिल्म की रिलीज डेट, मतलब क्लैश ना हो दो फिल्मों को लेके, इनको लेकर के कितने फ्लेक्सिबल हुए हैं स्टार्स? एक्चुअली मुझे बाकी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, हम लोग, मेरे लिए कोई डेट फिक्स नहीं होती. जब हमारी फिल्म तैयार हो जाती है, हमको लगता है कि हाँ अब हम तैयार हैं, तो फिर हम डेट्स का कैलेंडर देखते हैं और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे पीरियड में आने की कोशिश करते हैं. दिवाली या क्रिसमस, ये इंडिपेंडेंस डे जो छुट्टियों का दौर होता है वो एक, या जो गर्मियों की छुट्टी होती हैं, तो हॉलीडेज इज़ अ गुड पीरियड. तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा पीरियड चुने रिलीज के लिए. बस आमिर एंड किरण, टू योर लेफ्ट. वन सेकंड, टेक इट फ्रॉम हियर. या जी
जी या आई थिंक यू राइट. आई थिंक हम लोग एज क्रिएटिव पीपल वी कैन मेक मोर फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चों के लिए भी बहुत कम फिल्में बनाते हैं और यंगस्टर्स के लिए भी मतलब जो 12-13 साल के हैं. आप सही कह रही हैं, हमको और फिल्में बनानी चाहिए इसके लिए. और ये एक फिल्म ऐसी है जो यंगस्टर्स के लिए है, वो एज ग्रुप बिटवीन यू नो 12 एंड 18. लेकिन ये फिल्म एक्चुअली सिर्फ उस एज ग्रुप पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ये फैमिली फिल्म है, ये छोटे बच्चों को भी पसंद आएगी, बुजुर्गों को भी पसंद आएगी. दैट्स व्हाट वी होप. आई थिंक इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स अ मच वाइडर इसका स्कोप है. जब हमारे बच्चे छोटे थे तो अक्सर हम उनको एनिमेटेड फिल्म्स जो बाहर की बनती हैं वो हम दिखाते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में हम कम फिल्में बनाते हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हो, यू नो जस्ट चिल्ड्रंस फिल्म्स. तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली समथिंग वी कैन वर्क ऑन. Amir and Kiran, to your left. Right, hello, yeah. Hello. I'm waiting for. We'll take it from you. Yeah, Amir and Kiran, दोनों से सवाल है. ट्रेलर तो कमाल का है. आपकी कोई बचपन की ड्रीम जो सेक्रेट रह गई होगी, शायद आज आप शेयर करना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली वैसे मुझ पे एक बहुत कम रोक टोक थे जब मैं छोटी थी, तो जो मैं करना चाहती थी मैंने किया. फिल्में जब फिल्मों में आना चाह रही थी तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, मत जाना, मत करना. तो आई डिड, आई वांटेड टू बी इन दी आर्ट्स. मैं आर्ट्स में आ गई और मैं जिस तरह की फिल्में करना चाह रही हूँ उस तरह की फिल्मों से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे तो सारे ड्रीम्स पूरे हो गए. सो नो, मेरा एक ड्रीम था टेनिस खेलने का, वो थोड़ा कट गया. जब मैं 14 साल का था तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मैं टेनिस में बहुत ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहा हूँ. तो अब्बा जान एक दिन उन्होंने कुछ मेरी रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, कम मार्क्स मिले, तो बोला अम्मी को बुला के, जीनत इसका टेनिस बंद कराओ. तो मेरा टेनिस तो बंद हो गया लेकिन मेरी मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए. वो कौन सा शेर है यार, हेलो अरमान वाला, हाँ हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले. आमिर, वन क्वेश्चन. आमिर, टू योर राइट, हियर. आमिर, या एक सेकंड उनका ले लेते हैं. आमिर, द ट्रेलर लुक्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस. आमिर, वी टॉक्ड अबाउट सुपरस्टार्स एंड यू हैव ऑलवेज सेड दैट यू नो यू डोंट कंसीडर योरसेल्फ अ बिगर सुपरस्टार लाइक शाहरुख और सलमान. सो डू यू लाइक डू यू एवर feel like wanting that kind of superstardom, or you're happy in the space that you are? Actually, I'm very happy in the space that I am. I think that I have a very warm relationship with my audience, and I think that it's something that I've built over the years, and it's something that I'm very happy with and I cherish a lot, and I'm also very grateful for. I feel ke humme se kitne log hain jinko ye khushnaseebi milti hai ki wo kaam kare jisme unko maza aaye और उनको वो फ्रीडम मिले कि मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ. सो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, यू नो. एंड या आई एम क्वाइट हैप्पी वेयर आई एम. आमिर, हाय, टुवर्ड्स योर राइट, लेफ्ट. Hi, this is Ankita from Republic. Hi. First of all, the trailer is really awesome, really nice, and congratulations for that. Mera question thoda sa hatkar hai, par zaruri hai, since we are approaching towards our 71st Independence Day. If you would like to give some wishes. Well, I think that on this Independence Day, I would like to wish everyone good health, prosperity, love, peace, and warmth. You know, as a nation, as a society, we are still growing. We've achieved a lot, but we still have to achieve a lot. And I hope that we can all reach, you know, there where we visualize our country to be. Zaira, towards your right. Yeah. Zaira, aksar ऐसा बहुत बार होता है कि इंसान नहीं बदलता है लेकिन उसके आसपास की जो सराउंडिंग है, माहौल जो है, बदल जाता है. दंगल में जो सुपरस्टारडम आपको मिली है और आपको जो रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है, तो क्या कुछ आपके लिए बदल गया है? लोगों का नज़रिया कितना बदल गया है आपके लिए? ऑन अ
ऑनेस्टली मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है, इट्स जस्ट द सेम, मेरे सिर्फ बाल कट गए, उसके अलावा आई डोंट फील एनी डिफरेंस. इट्स जस्ट दैट आई रिसीव अ लॉट ऑफ लव व्हिच अर्लियर आई डिडंट गेट, जो शायद पहले नहीं मिलता था. पर ऑफ कोर्स पीपल हैव लव्ड दंगल सो मच एंड दे हैव लव्ड आवर परफॉर्मेंस सो मच एंड इट्स जस्ट दैट लव जो अभी मिलता है इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक मच हैज चेंज्ड. आमिर और किरण आप दोनों से एक सवाल है कि आमिर आपने तारे जमी पर डायरेक्ट की थी, किरण आपने धोबी घाट बनाई थी, उसके बाद से कोई भी फिल्म आप दोनों ने नहीं बनाई. हम जानते हैं सब कि आप लोग बहुत चूजी है, क्या इस वक्त किरण आपके दिमाग में चल रहा है कि एक सब्जेक्ट है और बनाने वाली है इमीडिएट फ्यूचर में, और आमिर क्या आप आगे कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगे? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने और आई होप कि ये एक स्क्रिप्ट बन जाए हम मुझसे जो मैं बना पाऊँ. मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत वक्त से इंटरेस्ट है, मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन काम जारी है और होपफुली आई विल बी एबल टू मेक अ फिल्म सून. ये भी मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं और एक फिल्म बनाऊँ, बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ और होपफुली हो जाए. और होपफुली उस पर मेरा एक रोल होगा. लास्ट टाइम इतना मुझे टेंशन दिया यार, मतलब कितने स्क्रीन टेस्ट दिए मैंने कन्विंस करने के लिए कि मैं भी हूँ एक्टर भाई, जरा आप बोल दीजिए उनको. और मैं हाँ एज ए डायरेक्टर मैं ज़रूर फिल्म बनाऊँगा डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एज एन एक्टर सोच रहा हूँ. अच्छा चलो, डोंट प्ले विद द माइक बॉयज. हाय आमिर, आमिर आपके लेफ्ट में. वन सेकंड, उनका क्वेश्चन आ रहा है. हाँ, दोबारा बोलिए आलोक जी. घर में सुपरस्टार हैं और इनके कुछ सीक्रेट्स जो आप शेयर करना चाहें. अरे बाप रे, मैंने काफी बार इनकी पोल खोली है वैसे, इन ऑन दैट व्हाट इज इट कॉल्ड, चला हवा ये उदिया. मैंने काफी नहीं, अभी वापस खोलने की जरूरत है. आप यहाँ से कोई क्वेश्चन? हाय आमिर, है आमिर, आप सुपरस्टार हैं, आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, सब आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन रिसेंटली ये खबर आई थी कि कटरीना कैफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अपने रोल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और थोड़ा वो आपसे अपसेट है, कितनी सच्चाई है इन खबरों में? टोटली झूठ है, टोटली झूठ है. आमिर हाय, टुवर्ड्स योर राइट. टुवर्ड्स माय राइट, या हाय, प्रियंका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. वेयर प्रियंका? Huh, okay, yeah. Okay. Amir, a lot of people in the industry feel that right now you are the most bankable superstar among the three Khans, because Shah Rukh has been struggling to get a huge success in box office, and even Salman's last film didn't do well. It was kind of a failure. And with Dangal breaking record at Chinese box office as well, do you also feel that you are the most bankable superstar right now? See, you know, you have to understand that creative work is, you know, very unpredictable. All of us try our best. Sometimes we succeed in what we are trying to do, sometimes we don't. So I don't think ki ek film do film se kisi ki stardom aise effect hoti hai. I think that Salman and Shah Rukh are both huge stars, they're mega stars, and I myself am a fan of their work, and I don't really compare like this. I think each one is unique, each one is different. बहुत अच्छा सवाल पूछा, पहले इनको आंसर करना तो फिर मैं बोलता हूँ. नहीं, मैं कॉलेज में एक्ट करती थी, बट दैट वाजंट वन ऑफ माय यू नो सीक्रेट ड्रीम्स कि मैं एक्टर बनूं. मज़ा तो बहुत आता था. आई थिंक उससे मैंने बहुत सीखा, और डायरेक्शन के जब मैं डायरेक्ट करती हूँ, मुझे एक्टर्स के साथ काम करने में जो मज़ा आता है वो एक्चुअली एक्ट करके वो नॉलेज मिली है, तो बहुत मज़ा आता है. आई हैव नो रियल इंटेंशंस टू एक्ट. मुझे थिएटर में बहुत इंटरेस्ट है, और आई फील कभी रिटायर हो गई तो थिएटर करना चाहूँगी, यू नो, इवन ईदर एज अ डायरेक्टर और एन एक्टर, इट वुड बी ग्रेट फन. एम आई ओपन टू इट? मुझे बहुत एक फिल्म बनानी है एक्चुअली. आई रियली वॉन्ट अ डायरेक्ट अ फिल्म, एंड आई एम नॉट क्लोज टू एनी थिंग. आई लव टू एक्ट, आई लव टू सिंग, आई वुड लव टू डांस. मतलब मुझे बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन कोई किसी ने बहुत अच्छा रोल ऑफर किया तो क्यों नहीं. आई डोंट आई वुडंट एवर से आई नेवर, बट राइट नाउ माय फोकस इज टू मेक अ फिल्म. हो गया आंसर? हो गया. मैं कब से बोल रहा हूँ किरण को कि आप एक्टिंग करो. आप लोगों को शायद ये पता नहीं है, शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर,
بہترین ایکٹر ہے وہ. اور جب ہم جب یہ بنا رہی تھیں دھوبی گھاٹ, تو اس میں جو رول ہے یاسمین کا, تو یاسمین کا جو رول ہے وہ رول سولو رول ہے, مطلب وہ اپنے آپ کو کیمرے میں شوٹ کرتی ہیں, کسی اور کردار کے ساتھ وہ انٹریکٹ نہیں کرتی. اور جب بھی ہم اسکرپٹ پڑھتے تھے تو یاسمین کی کاسٹنگ تب ہوئی نہیں تھی, اور کرن یاسمین کا پارٹ پڑھتی تھی, اتنا بہترین پڑھتی تھی وہ. اور میں بول بول کے تھک گیا کہ آپ یاسمین کا رول کرو, لیکن نہیں مانی. بولا نہیں مجھے ڈائریکٹ کرنا ہے, مجھے آئی وانٹ ٹو اونلی ڈائریکٹ. میں سمجھایا, میں نے بولا بھیا باقی فلم آپ ڈائریکٹ کرو گے, آپ ہم کو ڈائریکٹ کرو گے, یہ ایک رول ہے جس کا آپ اکیلے ہو, آپ خود کیمرہ رکھو گے اور آپ کو کیمرے سے بولنا ہے, تو اس سین میں آپ اپنے آپ کو ہی ڈائریکٹ کر رہے ہو, اور کسی کو کوئی ہے نہیں ڈائریکٹ کرنے کے لیے. لیکن نہیں مانی وہ. حالانکہ جو لڑکی جس نے یاسمین کا رول کیا اس نے بھی بڑا اچھا کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن تو میں تب سے کہہ رہا ہوں ان کو کہ آپ ایکٹنگ کرو ایکٹنگ کرو, سنتی نہیں ہے. بڑی مشکل سے انہوں نے گانا گایا, میں نے ان کو بولا گانا گاؤ گانا گاؤ, وہ ہمارا پانی فاؤنڈیشن کا گانا گایا انہوں نے, اتنا اچھا گاتی ہیں, اتنی اچھی ایکٹر ہیں, لیکن سنتی نہیں, ضدی. عامر سر آپ کے لیفٹ. ہاں ایک دو لائن گا کے سناؤ یار. اچھا آپ لوگوں نے یہ نوٹس کیا سنگرز کے بارے میں, آپ ان کو کبھی بولو گانے کے لیے, ارے نہیں یار میرا آج گلا ٹھیک نہیں, ارے یار مجھے بولو میں ابھی گاتا ہوں یار. ارے میں بہت برا گاتا ہوں یار. ہاں یہ واٹس ایپ جی سنجے. دیکھیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ چین میں لوگوں کو ہماری فلم اتنی پسند آئی ہے اور اتنا گہرا اثر ہوا ہے ان پر جذباتی طور پہ. تو یقیناً میں چاہوں گا کہ میری ساری فلمیں وہاں ریلیز ہوں, لیکن آپ کو جیسے پتا ہوگا چائنا میں ایک کوٹا سسٹم ہے, کچھ نمبر کی فلمیں ہیں جس میں آپ کو وہ ایکسیپٹ کریں گے تو تبھی آپ ریلیز کر سکتے ہیں. تو وہ سسٹم سے ہم جائیں گے, اگر ہماری فلمیں ایکسیپٹ ہوتی ہیں تو ضرور میں چاہوں گا کہ میری فلمیں ریلیز ہوں. جہاں تک کہ اسپیشلی فلم بنے ہندوستان چاہے, جیسے آپ کو پتا ہے میں جو اسکرپٹ چنتا ہوں وہ یہ سب میں سوچ کے نہیں چنتا ہوں, کہانی اگر میرے دل کو لگے تو میں کرتا ہوں. اگر ایسی کوئی کہانی ملے, اور کیونکہ چین میں بھی بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اچھے ایکٹرز کریٹو لوگ ہیں, تو اگر کبھی ایسا کچھ موقع ملے, اور انڈیا اور چائنا کے بیچ میں کو پروڈکشن ٹریٹی بھی ہے, تو اگر کوئی اچھی اسکرپٹ آئے تو ضرور میں کرنا چاہوں گا. ہمیں جسٹن ہیئر ٹوورڈز یور لیفٹ ہیئر جسٹن. ان کا ایک اور سوال ہے. یہ کس نے بولا آپ کو؟ آئی تھنک ان کا کام بولتا ہے, ان کا کام بولتا ہے. کریٹو لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کا کام بولتا ہے. His question is that what would you like to say to women, girls? Check. I think historically عورتوں کو لڑکیوں کو دبایا گیا ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ بہت ہزاروں سال سے عورتوں کو سیکنڈری پوزیشن میں رکھا گیا ہے ہر چیز میں. ووٹنگ بھی عورتوں کو ہمارے دیش میں نہیں پر باقی دنیا میں بعد میں ملی. ہر قسم کے جو ہمارے رائٹس ہیں ہمیں بعد میں ملی ہیں. اور یہ ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ دنیا بھر میں, ناٹ جسٹ ان اینی ون پلیس, بٹ دنیا بھر میں عورتوں کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے ان کا یو نو ٹو گیٹ دیئر رائٹس, ٹو گیٹ ریکگنیشن. پے کی بات کریں تو فار ایکول پے فار ایکول ورک, یہ ہم لوگ کو لڑنے کی ضرورت پڑتی ہے, یہ بھی شرم کی بات ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل ویمن دیٹ آئی مین گرلز آؤٹ دیر, یہ فلم ایکچولی سب سے اچھا یہی ہمیں یو نو میسج دیتی ہے کہ آپ ڈونٹ بی اسکیئرڈ ٹو ڈریم, ڈونٹ بی اسکیئرڈ ٹو ڈیزائر اینڈ وانٹ تھنگز. آپ کا حق بنتا ہے ٹو ہیو ڈریمز, آپ کا حق بنتا ہے ٹو فالو یور ہارٹ اینڈ یور ڈریمز, اینڈ آپ کو بھی ڈیفینیٹلی یو نو سکسیز ملے گی اگر آپ فالو کریں. آپ کو بھی شاید ایک شکتی ملے گا اپنی لائف میں, اور آئی وش آل آف دیم لک اینڈ سکسیز.
आमिर सर आपके लेफ्ट, आमिर सर आपके लेफ्ट, जस्टिन हियर, आमिर सर आपके लेफ्ट, रितेश ईटीवी से, सुजय आपसे भी सवाल है कि इस फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर क्या प्लान है और आमिर सर का इनपुट कितना रहा इस फिल्म की मार्केटिंग को लेकर? Firstly, G Studio is proud to be associated with Amir sir on this film. It's today's film. So all the marketing thoughts, ideas, innovations, or whatever we do, it's a joint jamming session that we work with. And because it is today's movie, we want to take it to as many people so that people see it. Everybody is a secret. I mean, everybody has a secret superstar within themselves. We want them to understand, grow, and see the movie. So we work together towards it. Amir, Justin here towards your right. Here, sitting on the steps. Like okay, Justin, yeah. Amir, there's a shot in the trailer where you are perhaps judging a show. Today, there's a lot of chatter about kids participating in reality shows because a lot of people feel that reality shows rob kids of their childhood. What do you have to say about that? You know, honestly, I've not seen any of these shows here. I really haven't. But if I think about it, I mean, I think it cuts both ways. Yeah. It's cut both ways. There are kids who are very talented and who want to be out there to show their talent. It gives them an opportunity. At the same time, we shouldn't, get so aggressive about it that we really rob them of their childhood. So I think, you know, it cuts both ways. थैंक यू आमिर. हमने देखा जैसे फिल्म में, इस तरफ ऑन योर लेफ्ट अगेन शिवांगी, जैसे फिल्म में देखा कि इंटरनेट से जायरा जो है वो कहीं ना कहीं जो फेमस हो रही है या फिर अपने गानों को इंटरनेट पर डाल रही है. इंटरनेट के कई एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. हाल ही में ब्लू व्हेल एक गेम था जिसकी वजह से एक लड़के ने, एक 14 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया. तो क्या आपको लगता है कि इंटरनेट जिस तरह से हम फिल्म में दिखा रहे, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए या फिर इस तरह से कुछ जो बच्चे है उन तक ऐसा मैसेज पहुंचे कि इंटरनेट उपयोगी भी है तो उसके कई ना कई डिसएडवांटेजेस भी हैं? देखिए, मुझे लगता है हर चीज में ही है. इंटरनेट एक नया मीडियम है, लेकिन हर चीज में, कोई भी चीज अगर उसका आप सही उपयोग नहीं करें तो उससे नुकसान हो सकता है. अच्छी से अच्छी चीज का अगर आप सही उपयोग नहीं करें तो उससे नुकसान हो सकता है. तो जाहिर है, हम अपने सारे बच्चों को यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि सही उपयोग हुआ जाए हो, और ये काफ़ी हद तक जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, टीचर्स की, जो परिवार वालों की, कि हम सही सीख दें बच्चों को. लेकिन कभी कभी हमारे पूरी कोशिश के बावजूद से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती. इतना म्यूजिकल माहौल है, फिल्म इतना म्यूजिकल है. गाने की बात की आपने, किरण को गाने को कहा तो उन्होंने कहा गला खराब है, आपसे हमने गाने को कहा तो आपने भी टाल दिया. मुझे कोई टेंशन नहीं, तो हो जाए, हो जाए. कौन सा गाना गाऊं? आती क्या खंडाला, आती का खंडाला. कितने सालों से गा रहा हूं मैं वो. हाँ, मैम भी गाएंगी. चेंज पोजिशन मैडम को यहाँ. हाँ, कौन सा गाना गाऊंगा? ओह, व्हाट आई सैंग फॉर यू, व्हिच वन? अरे वो तो बहुत मुश्किल है यार, कितनी रिहर्सल की मैंने. नहीं, वो नहीं. नहीं, मैं आती का खंडाला ही गाता हूँ. yes, yes. उस चक्कर में किरण भी गा लेंगी. yes. आ गया हूँ. हाँ चलो, पानी का गाना गाते. I know the words. एक जुटी ना पिटल राना तूफान आलाया काला भुई चा बेटी लाहे आभाड़ आलाया बेगाल माय माती चाह्या दौलत जागलियास घेऊन हाथ हाता मंदी गणन ने करानी द्यास नई दिसानी भारल्य वाणी शिवार झालया एक जुटी न. मुझे नहीं आता. मैं तो आपको गवाने के चक्कर में मैंने बोल दिया. हाँ हाँ, आता है मुझे. कितना अच्छा गाती है ना. एक टडम डुम डुम डुम, क्या बोलती तू? एक डिंग 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 डिंग.
क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती का खंडाला क्या करें जाके हम खंडाला अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और Amir here on your right, Samya here. Amir, firstly, the trailer looks amazing. Congratulations. Thank you. In the movie, Zaira idolizes you. You mentor her. So during your childhood, did you have any superstar or any idol as such? I loved Mr. Dilukumar's work. I used to love watching Dilukumar's films and Madhubala's films and Nargis Ji's films. So there were a lot of actors, Dharmendra Ji, a lot of actors whose work I've really loved, Amit Ji's work, directors, Gurudat, V. Shantaram, a lot of filmmakers who I used to idolize, yeah. Amir, you've directed also, and of late many movies have been, you know, curbed by the CBFC, and most recently, Nawazuddin's movie Babu Moshai Bandook Bahaz received 48 cuts. So how do you think that curbs the creativity of the filmmaker and as an actor? Well, you know, I've said it before, I really feel that, I feel that censorship is something that is, I don't know how relevant it is today. And as far as my knowledge goes, the CBFC in any case is not supposed to censor, it's supposed to grade the film, ki, you know, certify ki kis age group ko ye film hum dikha sakte. So I guess that's how we should proceed. And I think that's what also Mr. Benegal's recommendations are, if I'm not mistaken. So hopefully things will get there, things will get better. We'll take one last question. One last question, guys. Where is it coming from? Towards your right. Towards the right. Yeah. You know, not many directors get a chance to direct a superstar in their first film. And since you have got Amir in the film, how does it feel that a superstar in your first directorial, debut directorial? Yeah, actually, I'm blessed at many levels. One, that I got to work at Amir Khan Productions on such films like Tare Zameen Par and Dhobi Ghat, that I got to work with Amir sir as his manager. So actually, I've been blessed at so many levels that when I created him and he liked it, that itself was unbelievable for me. And then that he went on and, you know, acted in it as well. Frankly, right now, I'm not really believing it. I feel like I'm in a dream right now. So I'm actually blessed. I don't know what else to say. Amir sir, Russell to your right. Over here. Amir sir, Russell to your right. Okay, so last question, guys. Yeah. So, of late, you and Salman sir have been dominating the box office and been giving the highest grossers and have set the bar really high. But suddenly a Tollywood film came, Bahubali, and has blown away all expectations. For the Hindi version alone, it has grossed more than 500 crores. So what is the industry feeling at this point? Or does the industry have more onus on them, or are they feeling the pressure? Well, personally, I think it's great. I think that, you know, this is what cinema is all about. Bahubali has shown us that, you know, language is not a barrier. And as long as people connect with the material, they connect with the story, they connect with the characters, that's what's important. So I'm really happy for the film, and I have not seen it, unfortunately, as yet. But I look forward to seeing it. And I think it's great. I think, you know, we should make films that people, it's so wonderful that people have connected so deeply with the film and gone out there to see the film. And, you know, it actually, that film has shown us the potential of Hindi films, which we have not yet tapped. So it's really wonderful. I think it's great, and all congratulations. All congratulations to the entire team for the huge success that they've had. Yeah, I'm really happy about it. Thank you so much. Thank you so much, guys. I just want to say one thing before I leave. So, Advait was saying how fortunate he feels he is. Actually, I want to say that Kiran and I feel we are so fortunate that such talented people have come to us with material that we have loved. And it is, you know, it is great for us to be able to make films and produce films, give opportunities to creative talent like Advait. And I think that, you know, Secret Superstar is a title. In the film, it refers to Zaira. And of course, Zaira is a huge star. And she's no longer secret. She was until Dangar had released. But I must tell you that Secret Superstar has got many secret superstars in it. And slowly, one by one, we will be revealing each of the secret superstars to you as we go along this journey. And Advait is certainly one of them. When you see the film, you will realize what a beautiful story he has written and how well he has made the film.
So with that, thank you guys so much. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you. We'll do pictures.